रिस्ट पे आता है, रिस्ट पे। एंड अभी तो मैंने ग्लव्स लगा रखे हैं, अगर ग्लव्स नहीं होती तो उसके बाद आपका हैंडल में से ढक ढक आवाज़ आना स्टार्ट हो जाता है, जिसको बोला जाता है बॉल रेसर ख़राब हो गया। शोल्डर पेन आपको होती है ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर चलाने के बाद आपको थोड़ा थोड़ा शोल्डर पेन होना स्टार्ट हो जाए। इसका जो फोर्थ बिग डिसएडवांटेज है यार, वो है इसका तो बैक पिलियन सीट का साइज़, वो आप लोग तो देख ही रहे हो यार कितना ज़्यादा कम है इसमें। मतलब मेरे में तो यार ये भी नहीं लगा, टायर हगर भी नहीं लगा हुआ है। मतलब जो भी स्टी पे स्पीड है 80 से के भी नीचे है। एंड मैंने इसका ये मिरर खोला, ठीक है, ये देखो ये हवा के वजह से ऑटोमेटिकली रिटर्न आ जा रही है बाइक में। अरे यार ये मेरे संग टान रही है क्या? चलो यार थोड़ा टना के देखते थे इसको। बहुत डिफ़िकल्ट है भाई इसको चलाना, क्योंकि यार इसका लाइट आप लोग देख सकते हो कितना ज़्यादा कम है। इसका जो लास्ट डिसएडवांटेज है जो मुझे लगा है, वो लगा है यार इसका। So hey you, good morning beautiful peoples, I'm back again with our new vlog. So guys, this vlog is dedicated to this R15 version 3 disadvantage. Guys, आपने सही सुना यार, मेरे को इसमें बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज अब लगने लगी है। पहले तो नहीं लगती थी यार, पहले क्या थी ना कि न्यू बाइक थी, मतलब मेरा फेवरेट बाइक थी एंड अभी भी है। बट पहला मतलब जब न्यू आता है तो यार कोई भी कभी भी पूछेगा भाई तेरे को इसमें प्रॉब्लम होता है या बेटा तेरे को इसमें प्रॉब्लम होता है, मैं तो डेफिनेटली बोलूँगा यार नहीं, मेरे को तो एकदम रिलैक्स, मेरे को बहुत अच्छा लगता है इसको चलाने में। तो गाइस ऐसा स्टार्टिंग टाइम में हर किसी के संग में होता है, बट जब होता है ना कुछ टाइम जाने के बाद तब आपको पता चलता है कि इसमें डिसएडवांटेज है क्या एक्चुअल में। तो गाइस इसमें सबसे इसका पहला डिसएडवांटेज है ये इसका एग्रेसिव सीटिंग, जो कि यार मतलब पूरा जो लोड होता है ना वो रिस्ट पे आता है, रिस्ट पे। एंड अभी तो मैंने ग्लव्स लगा रखे हैं, अगर ग्लव्स नहीं होती ना तो आपको दिखता कि मेरा रिस्ट पे एक ना ऐसे करके लाइन आ जाता है रेड रेड करके। एंड उसका एक ही कारण होता है यार ऐसा ख़राब रोड, अगर ऐसा ख़राब रोड पर अगर आप बाइक चलाते हो तो आपका रिस्ट पेन होना आम सी बात है, मतलब होना ही होना यार। आप कोई भी बाइक पे रहोगे उसमें क्लच पकड़ोगे छोड़ोगे पकड़ोगे छोड़ोगे तो मतलब ऑलमोस्ट आपका रिस्ट पेन होना स्टार्ट हो जाएगा, नहीं भी होगा अगर जैसे कि कोई भी बाइक का मतलब है मेरा जिसमें एग्रेसिव सीटिंग हो, तो एक इसमें है, उसके बाद KTM है एंड उसके बाद और भी बहुत सारी बाइक्स है। तो अगर आप लोग उस वैसा बाइक्स पे चलाते हो तो आपका रिस्ट पेन होना जेन्युइन है, होना ही है आपको। तो इसका सबसे एक मतलब जो पहला कारण निकलता है इसका रिस्ट पेन। सेकंड आपका डिसएडवांटेज है वो है इसका हैंडलिंग। भाई इसका जो हैंडलिंग है ना, मतलब पहले तो बहुत अच्छी थी, इसका हैंडल थोड़ा सा डैमेज होगी, मतलब अब ऐसा डैमेज हो गई है कि मतलब जहाँ भी गड्ढा वड्ढा में जाता है तो थोड़ा सा अगर आप स्पीड में इसका गड्ढा में अगर आप ये हैंडल गिरा दोगे तो उसके बाद आपका हैंडल में से ढक ढक आवाज़ आना स्टार्ट हो जाता है, जिसको बोला जाता है बॉल रेसर ख़राब हो गया। अब बॉल रेसर चेंज करवाना पड़ता है, जिसका 2200 रुपये या 1200 रुपये के आसपास का कॉस्टिंग है। तो ऐसा कुछ होता है यार। दूसरा मतलब इसका बार बार हैंडल का इशू हर एक वर्जन 3 में रह गई है, हर एक वर्जन 3 में, जो कि मतलब सभी ने बोला है कि भाई इसमें हैंडल का इशू है, हैंडल का इशू है। मैंने बहुत सारे वर्जन 3 के ऑनर से बात किया तो सब ने बोला हाँ भाई इसका हैंडल थोड़ा जल्दी ख़राब हो जाता है, मतलब बॉल रेसर वाला जो होता है एक प्रॉब्लम आ जाता है बस। तीसरा है यार आपका शोल्डर पेन, मतलब ये जो एग्रेसिव सीटिंग पोजीशन के कारण, मतलब सारा कुछ देखोगे तो ये सीटिंग पोजीशन के कारण ही हो रहा है, जिसका एग्रेसिव सीटिंग पोजीशन है उसके कारण आपको शोल्डर पेन होने लगती है। देखो यार ऐसा ये जो शोल्डर पेन है ना ये सभी को होते हैं, सभी को, मतलब बोल मतलब कहते हैं ना, मतलब कोई भी एक ऐसा बंदा नहीं होगा जो इसको 50 किलोमीटर चला ले और उसको शोल्डर पेन ना हो। शोल्डर पेन आपको होती है ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर चलाने के बाद आपको थोड़ा थोड़ा शोल्डर पेन होना स्टार्ट हो जाएगी। एंड अगर आप हाईवे राइड करते हो तो 50 किलोमीटर्स के बाद, अगर आप सिटी राइड करते हो तो 30 किलोमीटर्स के बाद। तो गाइस इसका जो तीसरा बिग डिसएडवांटेज है वो है यार इसका ब्रेकिंग। एंड इसमें जो नॉन ABS है उसके कारण तो भाई बोलो ही मत, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है ना कि क्या बताएं। इसका जो फोर्थ बिग डिसएडवांटेज है यार वो है इसका सस्पेंशन, मतलब यार इसका जो रियर सस्पेंसर है वो तो यार मोनोशॉक है, जो कि मतलब बहुत ज़्यादा स्टीप होती है, बहुत ज़्यादा स्टीप होती है। रहा बात इसका सामने वाला जो कि आपका टेलीस्कोपिक फॉर्क होता है, फ्रंट वाला जो आपका शॉकर्स है वो ऑलमोस्ट मैं ठीक बोलूँगा, एंड जो बैक वाला शॉकर्स है मतलब जो आपका रियर मोनोशॉकर है वो यार बहुत ज़्यादा स्टीप है, मतलब थोड़ा सा और ज़्यादा मतलब होता ना स्मूथ होना चाहिए था बट वो स्मूथ नहीं है। सो गाइस इसका जो बिग डिसएडवांटेज है यार वो है इसका बैक पिलियन सीट, मतलब बैक पिलियन सीट साइज यार, इसका जो बैक पिलियन सीट का साइज है वो आप लोग तो देख ही रहे हो यार कितना ज़्यादा कम है। तो यार इसमें मतलब जो पीछे वाला जो भी कोई भी बैठता है यार तो वो एकदम मतलब कंफर्टेबल नहीं होता है उसको भी। ऐसे तो पहले यार रियर शॉकर इसका जो मोनो शॉकर है वो तो बहुत ज़्यादा स्टीफ रहता है, एंड पीछे का जो सीट का मतलब जो पीछे का पिलियन का जो सीट का साइज़ दिया है वो भी यार इतना कम है, इतना कम है कि यार क्या ही बोलना है यार, इतना ज़्यादा कम हो जा रहा है। तो गाइस इसका जो सिक्स्थ डिसएडवांटेज है वो है यार इसका रेनी सीजन।
तो यार इसका रेनी सीजन में ना मतलब जो भी कष्ट होनी है यार वो होती है एक्चुअल में पिलियन जो राइडर होता है जो पीछे बैठा रहता है, इतना ज़्यादा ये कीचड़ उछालती है, इतना ज़्यादा कि यार बोलो ही मत। अभी मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, ये देख लो आप, इसमें मतलब मेरे में तो यार ये भी नहीं लगा, टायर हगर भी नहीं लगा हुआ है, मतलब जो भी स्टॉक में जो दिया हुआ था वो तो सारा मैंने खुलवा रखा है। अभी तो यार जो भी पीछे बैठेगा ना उसका पूरा पीछे से लेके ऊपर से लेके नीचे तक पूरा चला जाएगा। ऐसा रहता है रेनी सीजन में डिसएडवांटेज इस बाइक को, R15 वर्जन 3 को लेकर रेनी सीजन का डिसएडवांटेज कुछ ऐसा रहेगा। सो गाइस आपका 7 डिसएडवांटेज है यार इसकी साइड मिरर्स, आप लोग देखना। अभी स्पीड आपका 82 है, चलो मैं इसको 80 पे रखता हूँ, ये 80 पे स्पीड है, ये 80 से के भी नीचे है। एंड मैंने इसका ये मिरर खोला, ठीक है, ये देखो ये हवा के वजह से ऑटोमेटिकली रिटर्न आ जा रही है। ये यार मतलब स्टार्टिंग के एक साल तक तो ऑलमोस्ट ठीक चली थी, एंड उसके बाद से ये वाला आपका ढीला हो जाता है, ये देख रहे हो ना, ये आपका ढीला हो जाता है। मैं तो स्टार्टिंग टाइम में यार मिरर्स बंद करके चलाता था, तो इसलिए मेरा अभी भी मतलब टिक गई, एक डेढ़ साल तक ऑलमोस्ट चल गई। एंड जो स्टार्टिंग टाइम से खोल बंद करता होगा उन लोग का मतलब बहुत पहले ही चला जाता होगा ये मिरर्स, चाहे इस साइड का जाए या उस साइड का जाए, जाना मतलब कन्फर्म है। एंड गाइस आपका 8वां नंबर का जो डिसएडवांटेज होता है यार वो होता है आपका ये वाला टैंक, जब भी पिलियन बैठता है तो ये यहाँ पे आपका प्रेशराइज करता है, इसके कारण यहाँ से आपका खुल जाता है, ये वाला आपका जो पोर्शन है ना, ये वाला यहाँ से नहीं, यहाँ से आपका खुल जाता है। तो ये खुलता है मतलब बार बार आपका मतलब ऐसे फाँका हो जाएगा, फिर आप उसको लगाओगे फिर ये फाँका हो जाएगा, ऐसे करके यार बहुत बार मतलब इस मेरे को प्रॉब्लम्स होती थी। जब रिसेंटली अपने एक दोस्त के मतलब पीछे बैठा था एंड मैंने उसके टैंक पर जैसे ही हाथ दिया जब वो हाई स्पीडिंग कर रहा था तब वो बोल रहा है कि भाई यहाँ पे हाथ मत दे या मेरा टैंक ओपन हो जाता है, फिर मेरे को प्रॉब्लम्स होता है इसको लगाने में, तो ऐसा कुछ वो प्रॉब्लम्स बताता है मेरे को। तो यार ये जो टैंक वाला जो इशू है ये वाला आपका ऑलमोस्ट रहता है बहुत सारी बाइक में। अरे यार ये मेरे संग टान रही है क्या, चलो यार थोड़ा टना के देख लेते इसको, भाई बोलो यार कार बाइक के संग में टान रही है, बट ऑलमोस्ट अगर ये टानेगी तो बहुत जल्दी मतलब बीट कर पाएगी अगर ये रिस्क लेती है तो, बट अभी भी यार ये हार नहीं मान रही है, ये टान रही है, थोड़ा बहुत रेस लग गया है। देखो मैं जैसे ही पिकअप छोड़ूंगा देखना वो कैसे जाएगा। देख रहे हो क्या स्पीड में जा रहा भाई, क्रेटा थी। तो भाई क्रेटा यार आरवन भाई से लड़ रही है, बताओ यार कोई मतलब बनता है इसका, कोई भी नहीं। सो गाइस अगर आप लोग R15 वर्जन 3 को नाइट राइड के लिए लेना चाहते हो तो यार नाइट राइड के लिए आप लोग मत लेना, क्योंकि यार इसका नाइट राइड मतलब इतना ख़राब है, मतलब आपको एक होता है ना कॉन्फिडेंट तो मिलने से रही, क्योंकि यार इस कॉन्फिडेंट आदमी को मिलता कहाँ से, एक राइडर को कॉन्फिडेंट कहाँ से मिलता है यार, उसकी लाइट से। यार इसका नाइट का जो लाइट होता है ना इतना कम है कि यार पूछो मत कितना ज़्यादा कम है। अगर आप नॉर्मली अगर आप डे बाय डे मतलब नाइट राइड कर रहे हो तो भी अगर आपका एक एक्सपीरियंस भी बन जाए ना तो भी आप इसको अच्छे से नाइट पे राइड नहीं कर पाओगे। अगर आपको स्पीड लिमिट इसमें रखना पड़ेगा, मिनिमम आपको 60 के नीचे रहना पड़ेगा, हाईवे की बात बता रहा हूँ क्योंकि आप लोग जानते हो यार हाईवे पे कोई भी साइड में आपका लाइट्स नहीं होती है, आप देख रहे हो ना ये हमारा हाईवे है, ये हाईवे में यार कोई भी साइड में आपका मतलब हाईवे के लिए स्पेसिफिक लाइट नहीं होती है जो कि आपका रोड पे मिल जाती है। तो यार रोड के लिए तो ठीक है बट नाइट राइड इन हाईवे बहुत डिफ़िकल्ट है भाई इसको चलाना, क्योंकि यार इसका लाइट आप लोग देख सकते हो कितना ज़्यादा कम है। तो गाइस अगर आप लोग R15 वर्जन 3 को नाइट राइड के लिए लेना चाहते हो, मतलब अगर आपका ज़्यादातर काम रात में पड़ता है वो भी हाईवे से जाने के लिए, तो यार मत लेना, नहीं तो यार पक्का है कहीं ना कहीं ठुकोगे आप। तो गाइस इसका जो लास्ट डिसएडवांटेज है जो मुझे लगा है वो लगा है यार इसका हाइट, इसको मैंने लास्ट में इसलिए रखा है क्योंकि यार ये सबके लिए रिलेटेबल नहीं होता है यार, ये उन बंदों के लिए होता है जिसके पास शॉर्ट राइड मतलब जिसका शॉर्ट हाइट है, तो वो यार शॉर्ट हाइट वाले R15 वर्जन 3 के लिए उतना कंफर्टेबल नहीं होते, मतलब होता है ना एक ऑफ रोडिंग करने के लिए एंड मतलब ख़राब रास्तों में चलाने के लिए, मतलब बेसिकली ऑफ रोडिंग के लिए आप समझ लो, क्योंकि यार मैंने उसको एक बार लेकर ऑफ रोडिंग किया था एंड ऑफ रोडिंग में यार मेरा एक्सपीरियंस बहुत गंदा था क्योंकि मेरा हाइट उतना अच्छा नहीं है, मैं शॉर्ट हाइट का हूँ, मैं 5'5" जो होता है मतलब 5.5 इंच का जो रहता है 5'5" का, उसके लिए यार R15 वर्जन 3 उतना कंफर्टेबल फील नहीं कराएगा। तो यार अभी मैं आपको दिखाता हूँ कहीं पर रुक करके कि मेरा हाइट इसमें कितना मतलब आता है R15 वर्जन 3 में। सो गाइस अभी मैं आपको दिखाता हूँ मेरा हाइट का प्रॉब्लम क्या है इसमें। तो अभी आप देखो ऐसे मेरे सामने मेरा एक दोस्त आया है जो मेरा ये वीडियो शूट कर दे रहा है, तो अभी आप देखना दोनों साइड का हाइट, मैं प्रॉपर एकदम बैठ गया, अरे ना पूरा दिखाना मेरा हाइट कितना आ रहा है,
एक्चुअली में मैं 5'5" से थोड़ा सा कम होगा या 5'5" का प्रॉपर हूँ, थोड़ा सा क्लोज आके मतलब कितना मेरा हाइट है, नहीं ये भी दिखाना आप लोग जैसे कि देख सकते हो वीडियो में कि मतलब मेरा हाइट कितना कम है, एकदम एग्जैक्ट आप आराम से देख सकते हो। भाई दोनों साइड से दिखा दें, अभी आप मेरा देख लो पैर ऐसा है एंड यहाँ पे भी मैंने पैर एग्जैक्टली सेम रखा है। अभी इस साइड का भी आप देख लो, तो अभी आपको एक नॉलेज हो जाएगी कि 5'5" का जो हाइट वाला जो बंदा होता है उसके लिए क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो कुछ ऐसा है एंड आप लोग देख के समझ सकते हो कि मेरा हाइट में क्या प्रॉब्लम हो रही है। सो गाइस आई होप मैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर पाया हूँ इसका जो डिसएडवांटेज है मतलब इसका। सो गाइस आई होप मैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर पाया हूँ इसका जो डिसएडवांटेज है। तो आई होप गाइस आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी एंड अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना ज़रूर से वीडियो में। अगर आपको कोई भी एक ऐसा जो आपके संग में प्रॉब्लम्स हो रही है वो प्रॉब्लम अगर आप मेरे संग शेयर करना चाहते हो तो कमेंट ज़रूर करना। एंड इसी के साथ अब हम लोग मिलते हैं गाइस ऐसे ही किसी नेक्स्ट व्लॉग के लिए, तब तक ले गाइस स्टे ट्यून्ड स्टे सेफ स्टे हेल्दी गाइस, टाटा बाय गाइस।